Dear students, I am your English teacher. Today we are going to read fourth lesson of second class. The lesson name is The Merchant's Bag. It is a interesting story for kids. Let's start. A rich merchant once dropped his bag in the marketplace. एक time यानी क्या होता है कि एक merchant यानी कि व्यापारी dropped means गिरा देता है अपना बैग जो मार्केट प्लेस में कहीं पर भी गिरा देता है. अ पुअर ओल्ड वूमन फाउंड द बैग. तो ये एक बैग जो बैग गिरा हुआ था वो एक पुअर यानी कि गरीब औरत को मिल जाता है. सी ओपन इट एंड सॉ दैट इट हैड 50 गोल्ड कॉइन्स. वह बैग उसने बैग को खोला और देखा कि उसमें 50 रुपीस यानी कि सोने के 50 सिक्के थे. जस्ट एज सी वॉज वंडरिंग हूज बैग इट वॉज. जैसे वो यहाँ वहाँ घूम रही थी तो उसने देखा कि यह बैग किसका है. She heard the merchant shout a reward. I will reward anyone who finds my bag. यानी कि उसने जो merchant था उसकी जो shout थी जो वो बोल रहा था वो सुनी. a reward यानी कि एक इनाम. मैं उसको इनाम दूंगा जो मेरा बैग ढूंढ के मेरे को देगा मैं उसको इनाम दूंगा. The honest woman gave the bag to the merchant. Honest means ईमानदार. उस ईमानदार औरत ने वह बैग merchant को व्यापारी को दिया. Here is your bag. यहाँ आपका बैग है. She said, उसने बोला. Will you give me my reward? अब मेरे को मेरा इनाम कब दोगे? Reward, said the merchant. Merchant ने बोला इनाम. Greedily counting his gold coin, और लालच में आके उसने अपने जो coins थे सिक्के थे वो गिनने शुरू कर दिए. My bag had 200 pieces of gold. यानी कि वो कहते हैं कि मेरे बैग में तो 200 सिक्के थे. You have already stolen more than the reward. आपने तो मेरे बैग में से जो मैंने रिवार्ड देना था उससे भी ज़्यादा सिक्के आपने यहाँ से चुरा लिए. Go away. So आप इसलिए यहाँ से जाओ. I am poor, but I am honest, said the old woman. तो old woman बोलती है मैं गरीब हूँ but मैं ईमानदार हूँ. I will go to the queen's palace. मैं महारानी के पैलेस में जाऊँगी and ask for help और help के लिए वहाँ पर बोलूँगी. The queen called the merchant and listened to both person. Queen ने merchant को व्यापारी को बुलाया और दोनों both means दोनों person means व्यक्ति दोनों व्यक्तियों को अच्छे से सुना. Then उसके बाद she said वह बोली. I believe you both. मैं आप दोनों पे विश्वास करती हूँ. Your bag had 200 pieces of gold. आपके bag में 200 सिक्के थे. This bag that the woman found has only 50 pieces. लेकिन इस औरत को जो बैग मिला है इसमें ओनली 50 पीसेस हैं. 50 यानी कि 50 सिक्के हैं. ये आपका बैग नहीं है. So this cannot be your bag. So इसलिए यह बैग आपका नहीं है. The queen said to the merchant. तो यह बात क्वीन ने मर्चेंट को बोली. Then बाद में the queen gave the bag having 50 gold coins to the honest woman. तो उसके बाद क्वीन ने क्या किया कि जिस बैग में 50 कॉइन्स थे वह बैग उस वूमन को पुअर वूमन को दे दिया. द मर्चेंट हैड नथिंग टू से. अब मर्चेंट के पास कहने के लिए भी कुछ भी नहीं था. ही न्यू दैट दिस वॉज हिज पुनिशमेंट फॉर बींग डिस ऑनेस्ट एंड ग्रीडी. तो वह जान गया था वह जानता था कि जो उसके साथ हुआ है जो उसको सजा मिली है वो उसकी बेईमानी डिस ऑनेस्ट बेईमानी और ग्रीडी मीन्स लालच या उसकी लालची लालचता और बेईमानी के कारण हुआ है. Now our lesson is completed. So thanks and have a nice day.